नक्सलियों के निशाने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह, सेंट्रल आईबी ने जारी किया अलर्ट, चुनावी सभा में नक्सली बना सकते हैं निशाना। आरा में स्ट्रांग रूम में बड़ी लापरवाही आई सामने, चुनाव के दौरान खराब 3 ईवीएम का नहीं मिला हिसाब, ताला तोड़कर दस्तावेजों को खंगालने के बाद दूर हुई दुविधा। रांची में आरएसएस के कार्यकारी मंडल की बैठक में धार्मिक आधार पर हुए जनगणना पर संघ ने जाहिर की चिंता, अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में रखा जा सकता है प्रस्ताव, हजारिका रिपोर्ट पर भी चर्चा मुमकिन। गलती से बीजेपी बिहार में हारी तो पाकिस्तान में छूटेंगे पटाखे, रक्सौल की जनसभा में अमित शाह का बयान। आरक्षण को ढाल बनाकर वोटों के ध्रुवीकरण की कवायद जारी, खास संप्रदाय को आरक्षण दिए जाने वाले पीएम मोदी के बयान पर लालू यादव का हमला, पीएम के बयानों को बताया फालतू। मोतिहारी में लालू यादव की सभा में हंगामा, आरक्षण वाले बयान पर मलाही में युवकों का फूटा आक्रोश, हंगामे को देख गुस्से से लाल हुए लालू। विरोधियों को कमतर नहीं आंका जा सकता, लेकिन मुकाबला है एकतरफा, तीसरे चरण के चुनाव के बाद नीतीश कुमार का बयान। मोतिहारी में नगमा की सभा के दौरान लोगों का हंगामा, घंटों मची अफरा तफरी, बगहा में अमित शाह की सभा में दीवार गिरी, 12 लोग जख्मी, 4 की हालत गंभीर। झारखंड बिजली विभाग के एसडीओ जेएनके सिंह का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, न्याय के लिए दायर की गई जनहित याचिका। हिसार के अग्रोहा धाम में 34वें शरद पूर्णिमा महोत्सव का समापन, एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने दिया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, हिसार में विकास की प्रतिबद्धता को दोहराया।